क्या है पुलिस? कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि चार लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को, और वहाँ पर दो लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य दो लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन दो लोगों को वहाँ पर रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पर ले गए थे और उसको उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी, जिस पर फरियादी जो है उसको आशंका है उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया, और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का, और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। ये मैम जो फरियादी है इसमें किनको वहाँ बंधक बनाया था और किनको भेजा था और किस लिए भेजा था? दो लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है उनको, एक लड़का एक लड़की को वहाँ पे उन लोगों ने रोका था, और जो एक लड़का और एक लड़की थे उनको उन्होंने भेज दिया था 10 लाख रुपए लाने के लिए। ये रेप का मामला दर्ज हुआ है क्या, इसमें गैंग रेप? इसमें जो फरियादी है जिसके द्वारा FIR लिखवाई गई है उसने आशंका जाहिर की है कि लड़की को साइड पे ले गए थे और उसके द्वारा बताया गया है कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना उन लोगों ने की होगी, जिस पे पुलिस ने प्रथम दृष्टया FIR की है, और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लड़की अभी कथन नहीं देना चाहती थी। जैसे ही वो कथन देगी हम उस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी, इसमें लूट की और मारपीट की धारा भी जोड़ी गई है। इसमें प्रॉपर जो धाराएं हैं उसमें वो लगाई गई हैं। आर्मी पर्सन जो है ये दोनों मेल आर्मी से बिलोंग जी और महिलाएं सिविलियंस हैं।